बाराबंकी में टीबी रोगियों को समय से दवा खाने के लिए प्रोत्साहित करने की स्कीम निश्चित पोषण योजना की रकम में भद्रबाट का बड़ा मामला सामने आया है। इस काम को देख रहे एसटीएलएस पद पर तैनात संविदा कर्मियों ने रोगियों के बैंक खाते में रकम भेजने के बजाय अपने और अपने सहयोगियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। घोटाले की यह रकम 2,32,000 रुपए। वही मामला खुलने के बाद बाराबंकी जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और उनके निर्देश के बाद संबंधित संविदा कर्मी पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। दरअसल टीबी रोगियों की बीमारी की पहचान के बाद 6 माह तक दवा खानी होती है। अक्सर देखा जाता है कि इस पूरी अवधि में रोगी लगातार दवा नहीं खाते, जिसको देखते हुए जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने रोगियों के लिए स्कीम घोषित की जिसमें रोगियों को हर महीने 500 रुपए दिए जाने। इस स्कीम के तहत बैंक अकाउंट में पैसा भेजने के लिए एसटीएलएस पद पर कार्यरत संविदा कर्मी वीरेंद्र कुमार को लगाया गया, लेकिन उसने मरीजों के बैंक खातों में रकम भेजने के बजाय अपने और दूसरे सहयोगियों के खातों में यह रकम भेज दी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर ए के वर्मा ने बताया कि निरीक्षण निश्चित पोषण योजना के अंतर्गत टीबी रोगियों को हर महीने 500 रुपए दिए जाने थे। इस स्कीम के तहत बैंक अकाउंट में पैसा भेजना था। काम में एसटीएलएस पद पर कार्यरत संविदा कर्मी वीरेंद्र कुमार को लगाया गया, लेकिन उसने मरीजों के बैंक खातों में रकम भेजने के बजाय अपने दूसरे सहयोगियों के बैंक खातों में यह रकम भेज दी। यह मामला डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस संविदा कर्मी पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ उसके बर्खास्तगी के भी आदेश दिए, जिस क्रम में संविदा कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई। हाँ, ये कि लंबा ही है, ठीक मतलब नहीं है। वित्तीय निमित्ता तो वित्तीय निमित्ता सही है। मेरे बाराबंकी जनपद में एक संविदा कर्मचारी वीरेंद्र कुमार, जो एसटीएलएस के पद पर है, उसके द्वारा कुछ टीबी के रोगियों का निश्चय पोषण योजना का लाभ, जो कि 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, उसको उसने जो है अपने परिचितों के अकाउंट नंबर के माध्यम से भुगतान गलत भुगतान करा दिया। ये प्रकरण संज्ञान में आने के बाद उसकी जांच प्रक्रिया की जा रही है और बहुत सी जांच हो भी चुकी है। उसमें पता चला कि उसने जो है अपना गुनाह कबूल लिया कि 2,37,000 रुपये हमने मेरे परिचितों को जो है जानबूझ करके उनके खाते में मैंने डाल दिया है। मुझे 15 दिन का मौका दिया जाए जिससे कि जो है वह जो है पैसा जो है संबंधित जो है खाते में जमा करा सके। इस संदर्भ में उसने 2,32,000 हमारे राजकीय खाता में उसने जमा करा दिया और 5,000 रुपये फतेहपुर की एक रोगी के माधुरी शुक्ला नाम के रोगी का पैसा उसके खाते में उसने जमा कराया। इसका उसने जो है जमा रसीद और संबंधित जो है वो पेपर और अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से उसने दिया कि ये पैसा मैंने जो है मेरे द्वारा गलती की गई, जानबूझ के गलती की गई और मैंने इसको जो है जमा करा दिया। ठीक है।